तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है भाजी का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हुआ है 9 बजा है और मैं आज बनाने वाली हूँ कांदा भाजी का सब्जी। तो उसके लिए मेरे को ख़रीदना नहीं है, तोड़ना है, तो तोड़ के ले आती हूँ दोस्तों। आंटी के घर में है, सामने वाली जो आंटी है उनके घर में है कांदा का भाजी। कांदा का भाजी मतलब प्याज का भाजी नहीं है, कांदा भाजी है। तो कांदा भाजी तोड़ के लाऊंगी, वो जो मीठा वाला होता है ना कांदा, उसका भाजी है। तो चलिए फिर मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसा रहता है, और तोड़ के लाती हूँ फिर बनाऊंगी, है ना। तो चलिए, तो मैं आ गई हूँ दोस्तों आंटी लोग के घर में। ये देख सकते हैं, ये है कांदा भाजी, इसको मैं अभी तोड़ने वाली हूँ। तो तोड़ लेती हूँ पूरा को, जितना मेरे को बनाना है उतना तोड़ लेती हूँ और फिर चलते हैं, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, आंटी बहुत सारा कुछ कुछ लगा के रखती हैं अपने घर में। ये धनिया है और इधर भी कुछ कुछ लगाती हैं, तो अभी लगाने के लिए रखी है। और यहाँ देखिए, ये बरबट्टी है जिसमें अभी आंटी पानी डाल रही है पूरा। ये भी बरबट्टी है, पहला वाला दूसरा वाला भी बरबट्टी ही है, तो इसमें पानी डाल रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा टूटा है, मैं ज़्यादा तोड़ नहीं पाई। ये देखिए बहुत सारा है टहने को। और चलिए अब इसको ना अच्छे से धोना पड़ेगा, मिट्टी विट्टी है तो साफ धोना पड़ेगा। दो बार धोऊंगी, थोड़ा सा पानी में भिगा के रख दूंगी, उसके बाद में धोऊंगी। तोड़ते तोड़ते थक गई दोस्तों, पानी पी लेती हूँ। अब ना मौसम गर्मी गर्मी जैसे हो गया है तो ज़्यादा प्यास लगता है, इसलिए अभी वहाँ थोड़ी हूँ तो थोड़ा धूप ऊप लगा तो प्यास लग गया। चलिए पानी पी लेती हूँ फिर करूँगी दूसरा काम। देखिए दोस्तों, ये है भाजी, इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दी थी पानी में, अब अच्छे से इसको धो लेती हूँ। देखिए मिट्टी वगैरह लगा था ना, वो सब निकल गया है। ये देख सकते हैं पूरा साफ हो गया है, पर एक बार और इसको पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए साफ हो गया है, जो भी जमा होगा नीचे में देख सकते हैं, ये देख गंदगी आप लोग को दिखाऊंगी इसको निकाल के। तो चलिए इसको धो धो के रखते हैं। ये देखिए पूरा साफ हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पूरा भाजी को निकाल ली हूँ और इसमें इस पानी को फेंक के दिखाती हूँ, नीचे में जो भी था वो निकल गया है। ये देखिए रेती मिट्टी जो भी था सब निकल गया है। ये देखिए गंदा था, अरे एक बार और धो लेती हूँ साफ पानी से। अब ये है दोस्तों, देखिए दाल, इसको मैं धो लेती हूँ और भिगा देती हूँ।
मैं ना दाल को भिगाने के लिए रख दी थी और मैं नहाने के लिए चली गई थी। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये मेरा दाल भीग गया है, दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दाल मेरा अच्छे से भीग गया है और मैं सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। ये प्याज है, काटूँगी इसको भी भाजी में डालूँगी। टमाटर है और मैं ना हरा मिर्ची डालूँगी सोच रही थी, फिर भाजी भी हरा हरा है। मेरी बेटी पा जाएगी तो नहीं खा पाएगी, इसलिए मैं लाल मिर्ची डालूँगी। तो चलिए बनाते हैं। और देखिए दोस्तों मेरे घर का करेला इतना टूटा है, घर का करेला है, तोड़ी हूँ। छोटा छोटा होता है और ना पक जाता है, ये देख सकते हैं पक जाता है जल्दी, इसीलिए छोटा छोटा को तोड़ देती हूँ। ये देखिए इतना, यही सबसे बड़ा है लगता है, ये देख यही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा ये देख सकते हैं। ये सबको काट डाली दोस्तों, टमाटर प्याज और मिर्ची। भाजी को काट लेती हूँ। पूरा भाजी कट गया दोस्तों, ये देख सकते हैं। देखिए काट ली भाजी को, प्याज टमाटर सब हो गया, तैयारी हो गया। अब चढ़ाती हूँ कढ़ाई इसमें। इसमें का पानी पूरा सूख गया दोस्तों, जो भी पानी था वो। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। जब तक दोस्तों गर्म हो रहा है मैं चावल को उठा कर लेती हूँ। इधर बच्चे लोग नहा रहे हैं, उसका आवाज़ आ रहा है, पड़ोसी के बच्चे हैं। मेरी बेटी तो अभी नहीं आई है स्कूल से। तो दोस्तों ये साफ़ हो गया मेरा चावल और तेल भी गर्म हो गया। तो चलिए अब बनाती हूँ सब्जी। ये देखिए डाल देती हूँ मिर्ची, मिर्ची को पहले डालूँगी, उसके बाद में सीधा प्याज को डाल देंगे दोस्तों। मिर्ची को डालने के बाद में जीरा वगैरह इसमें नहीं डलेगा। तो ये देख सकते हैं प्याज डाल दी हूँ। इधर दोस्तों ये प्याज हो गया, अब टमाटर डाल देती हूँ इसमें। यहाँ पर दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। और डाल दूंगी ये देखिए मसाला, हल्दी डालूंगी, धनिया डालूंगी, मिर्ची नहीं डालूंगी, ज़्यादा तीखा हो जाएगा, मिश्री खा नहीं पाएगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगी। तो इसमें सब कुछ डल गया है दोस्तों। अब इसको अच्छे से भून लेती हूँ मसाला को। और इधर चावल को चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। देखते हैं दोस्तों मेरा टमाटर भी पिघल गया, पूरा मसाला भून गया है। अब बारी है इसकी दाल, जो मैं भिगा के रखी हूँ उसको डालूँगी इसमें। इसके पानी के साथ में डालना है दोस्तों इसको, जो भी दाल वाल सबको डाल देना है एक साथ। तो देख सकते हैं मैं पूरा दाल को डाल दी हूँ इसमें, उसका पानी को भी डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और पका लेती हूँ। हो गया दोस्तों दाल पक गया है अच्छा से। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ भाजी, ये जो मैं काट के रखी हूँ।
सबको डाल देती हूँ। और दोस्तों सबको डालने के बाद ना मैं इसको अभी मिक्स नहीं करूँगी, इसको ऐसे ढक दूँगी। 5 मिनट हो गया दोस्तों, अब इसको खोलते हैं। जल रहा है हाथ, देखिए दब गया ना। अब मिक्स करते हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना थोड़ा सा हो गया। अभी चावल को इसमें डालती हूँ गंजी में और धो लेती हूँ। मेरा चावल यहाँ बन गया है दोस्तों। अब इसका जो पानी है उसको मैं अलग कर लेती हूँ और ना इसमें रखूँगी और मैं इसको गाय को दे दूँगी, जो बचेगा इसमें कमाड़ उसको। तो चलिए इसको डाल लेती हूँ। अब ढक के डालूंगी, पूरा सूखा करना है मेरे को चावल को। तो इतना सारा निकला दोस्तों, तो अभी इसको रहने देती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, उसके बाद में ठंडा हो जाएगा तो इसको गाय को लेके पिलाऊंगी। और ये मेरा चावल रेडी हो गया बनके, ये देख सकते हैं गरम गरम चावल। और चलिए अब देखते हैं सब्जी का क्या हालचाल है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है भाजी का। और इसको ऐसे ही रखूंगी, सूखा नहीं करूंगी। और ढक देती हूँ, बन गई ये। तो भाजी को दो तरीके से बनाती हूँ। एक तो पहले दाल को पानी में डाल के उबाल लेते हैं, उसके बाद में भाजी डालते हैं और उसमें टमाटर वगैरह डालते हैं, उसके बाद उसको उबाल लेते हैं, उसके बाद में उसको छोंक लगाते हैं लहसुन और मिर्ची, लाल मिर्ची के साथ में। और एक मैं जो बनाई हूँ ऐसी बनाते हैं, तो जो लहसुन और लाल मिर्ची का बाद में छोंक लगाते हैं ना उसमें, वो एकदम सादा सिंपल बनता है। तो उसको बच्चे खाने का वो नहीं करते हैं जितना, मतलब इसको ज़्यादा टेस्टी रहता है तो इसको अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा बनाती हूँ। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक है, तब तक के लिए बाय बाय।